हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चेरीज वर्ल्ड। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम लिक्विड लिपस्टिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि लिक्विड लिपस्टिक कैसे अप्लाई करनी है, कैसे कैसे स्टेप्स हैं इसके अप्लाई करने के। सो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। बहुत लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिक्विड अप्लाई करने में, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक जो होती है वो एक बार लग जाती है कहीं पर, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने में। सो इसलिए हम इसको कैसे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं रिमूव कर लेती हूँ अपनी लिक्विड लिपस्टिक, और मैं ये अपने DIY से रिमूव करूँगी। आई होप आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसको बनाने के लिए आपको मैक्सिमम DIY को, मेकअप रिमूवर को बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 20-25 रुपीज़ का खर्चा है बस। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिपस्टिक को, आई लाइनर को, मेकअप को रिमूव कर देता है, और मैं इसी को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक पर अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा अंदर लिप बाम अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ये लिक्विड लिपस्टिक होती है आपके लिप्स को बहुत ड्राई कर देती है। तो मैं अप्लाई करूँगी ब्लू हेवन का लिप बाम, और आपको ज़्यादा लिप बाम अप्लाई नहीं करना है, बहुत लिटिल पोर्शन आपको अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा लगा लोगे तो फिर आपकी लिक्विड लिपस्टिक टिकेगी नहीं आपके लिप्स पर, तो आपको बिल्कुल लाइट बहुत हल्का सा लगाना है। सो मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे लिप लाइनर से। सो पहले आपको आउटलाइनिंग करनी है अपने लिप्स को, ताकि जो लिक्विड लिपस्टिक है वो उस आउटलाइनिंग के अंदर ही लगे। सबसे पहले हमें लिप लाइनर अप्लाई करना है। सो लिप लाइनर अप्लाई कर जैसे हम कर देते हैं, उससे क्या होता है कि हम जब भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो हम लिप लाइनर के अंदर करते हैं, जिससे कि हमारा बाहर लिक्विड लिपस्टिक नहीं निकलती है। सो अब मैं लिक्विड लिपस्टिक लूँगी और इसके जितना भी एक्स्ट्रा होगा सब बाहर निकाल दूँगी। और ये ADS की प्रो लिपस्टिक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको स्टार्ट करना है ये जो पॉइंट होता है यहाँ से। लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लिए, अब आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लिप लाइनर को फिर से यूज़ करते हैं। और मेरी जो लिक्विड लिपस्टिक है वो बिल्कुल सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कि कितनी इजीली मैंने लगा लिया है। सो मैंने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर ली, और यही है कुछ स्टेप्स जो हम अप्लाई करते हैं। पहले हमें लिप बाम अप्लाई करना होता है, फिर लिप लाइनर, और ये है MN का लिप लाइनर, उसके बाद है ये लिक्विड लिपस्टिक। सो यही कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं, और बहुत ही इजीली हमारी लिक्विड लिपस्टिक लग जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके हेल्पफुल है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।